व्यर्थ हो गए। मैं जब्राइल दूत हां, प्रभु ने अपनी कृपा तेरे लिए दिखाई है। तू एक परमेश्वर के पुत्र नु जन्म देवेंगी। मैं तो हजे कुवारी हां, मेरी तो यूसुफ नाल मंगनी ही होया। वो की सोचेगा तो मेरी जिंदगी च की होवेगा। तू पवित्र आत्मा की शक्ति नाल गर्भवती होवेगी, परमेश्वर के पुत्र नु जन्म देवेंगी, जो दुनिया का मुक्तिदाता होवेगा। जो संसार का मुक्तिदाता होवेगा, जो इंसान को नहीं हो सकता वो परमेश्वर को हो सकता है। जोसेफ, मैं जानता हां कि तू मरियम नु छड़न ले सोचता है। वो गर्भवती है, वो पाप नाल गर्भवती नहीं हुई, पर पवित्र आत्मा उसते उतरेगा, वो एक पुत्र नु जन्म देवेगी। ता तू उसका नाम यसू रखेगा, जो दुनिया का मुक्तिदाता होवेगा। लोग उस नु मैनुअल कहेंगे, जिसका मतलब परमेश्वर साडे नाल है। परमेश्वर दी मर्जी मेरे जीवन में पूरी। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया।
ਮੁਲਾ ਤੇਰਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਪਾਰ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਮੁਲਾ ਤੇਰਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਪਾਰ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਮੁਲਾ ਤੇਰਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਪਾਰ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਯੇਸ ਤੇਰੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਯੇਸ ਤੇਰੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਯੇਸ ਤੇਰੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਗੀਤ ਅਸੀਂ ਗਾਵਾਂਗੇ ਮੁਲਾ ਤੇਰਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਪਾਰ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਮੁਲਾ ਤੇਰਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਪਾਰ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਮੁਲਾ ਤੇਰਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਪਾਰ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੁਲਾ ਤੇਰਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਪਾਰ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹਾਂ ਮੁਲਾ ਤੇਰਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਪਾਰ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ ਯੇਸ ਤੇਰੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਯੇਸ ਤੇਰੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਯੇਸ ਤੇਰੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਗੀਤ ਅਸੀਂ ਗਾਵਾਂਗੇ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਪਾਰ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ 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 ਇਨਸਾਨਾਂ ਚ ਰਾਜ ਕਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਪਿਆ ਦੇਖੋਗੇ ਰਾਜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਧੰਨਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦੂਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ See that the Lord is good.
हो महाराज, महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। तुसी सारे मैनू जानते हैं, जिहड़े नहीं जानते उन्होंने मैं अपना नाम पता करके दस सकता। मेरा नाम कुलदीप है जी, मैं 14 साल हो गए फिलीपींस रहिंदे नूं। ते प्रभु यीशु मसीह की कृपा है कि उन्होंने मेरे उत्ते अपनी अनुग्रह किया, मैं इस काबिल बनाया कि मैं उन्होंने लिए अपनी जीवन देकर उन्होंने लिए अपनी सेवा कर सकता। जिस तरह आज परमेश्वर ने सानू इस्तेमाल किया है कि असीं परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर की खुशखबरी है, वह असीं लोगों तक पहुँचाइए। अज तुसीं जो भी ड्रामे में देखा है, अज हालात दुनिया के इस तरह ही, मेरी यह टेस्टिमनी है, मेरे जीवन की गवाही है कि आज तो 3 साल पहला मैं भी इस तरह ही सीगा। मैं भी इधर उधर भटकता सीगा, अपने जीवन में बड़ा उदास सीगा, बड़ी जिंदगी में मेरे बड़ी प्रॉब्लम्स, बड़ी ट्रायल्स आई हैं। लेकिन मैं एक मोक्ष दे विच तलाश दे विच सीगा, एक मुक्ति की तलाश में सीगा। लेकिन मैं हर जगह गया, जिस तरह तुसीं जानते हो भैनों भराओ कि साडा कल्चर इंडियन कल्चर है, असीं पंजाबी हैं। ते पंजाबी बंदे तुहानूं पता है कि परमेश्वर दे प्यासे रहिंदे ने। अज हर कोई इत्थे बैठा है वह परमेश्वर नूं, परमेश्वर का प्यासा है, और हर कोई यह चाहता है कि उसके जीवन में शांति हो। हर कोई यह जानता है, चाहता है कि उसके जीवन में खुशियां आए, वो हर मुसीबत को छुटकारा करे। भैनो भ्रावो, मैं भी इस तरह चाहता सी अपनी जिंदगी में कि मेरी जिंदगी में छुटकारा हो। मैं बहुत इधर उधर भटकिया, बहुत गया इधर उधर, सब जगह मैं अपनी जिंदगी में सब जगह मैं जाकर देखा, लेकिन मैनू कुछ नहीं। जो मैनू पता लगा कि यीशु मसीह जो सच्चा परमेश्वर है, जो जिंदा परमेश्वर है, जिसने मरकर तीजे दिन जिंदा होया, जो मैं पता लगा कि वह सच्चा रब है, तो मैनू नहीं पता था, मैं बिलीव नहीं करता था, क्योंकि नेचुरल वी आर इंडियन और वो एक फॉरेन गॉड से। तो मैं टेस्टिमनी सुनी थी कि मैं अपने भरा को उधर के बारे सुनिया, क्योंकि उनका जीवन भी प्रभु यीशु मसीह ने बदलिया, उन्होंने मैं अपनी गवाही दी थी, उस गवाही के जरिए मेरा जीवन बदलिया। तो जो मैं अपने घुटनों से आकर, जो मैं बड़ा परेशान सीगा, मैं मुक्ति नहीं मिल रही, मैं शांति नहीं, मैं परेशान सीगा, तो मैं अपने घुटनों से आकर यही कहा कि मैं नहीं जानता कि सच्चा रब कौन है। लोग कहते हैं हिंदू धर्म, लोग कहते हैं पंजाबी धर्म, लोग कहते हैं मुसलमान धर्म, लोग कहते हैं ईसाई का धर्म। मैं बड़ा परेशान सीगा इन चारों में, मैं नहीं, मैं अपने घुटनों से आकर मैं सिर्फ यही कहा ना, मैं किसी को नहीं जानता, ना मैं समझ सकता है, लेकिन मैं इन्ना चाहना कि जो भी सच्चा रब है वो आके मैनू दर्शन दे, वो आके मैनू दसे कि असली जीवन किस तरह जीता है, क्योंकि परमात्मा के बगैर असली जीवन जीन का कोई मतलब नहीं। असी अपनी सोच ना, असी अपने दिमाग ना अपना जीवन जीने हैं, तो असी हमेशा प्रॉब्लम पैदा हैं। जो प्रभु यीशु मसीह जो सच्चा परमेश्वर है, पवित्र है, जो मैं पता लगा कि वह पवित्र आत्मा ना पैदा होया है, उसके कोई पाप नहीं, उसने साडे पापा लिए साढ़े पापा ने अपना जीवन दिता ताकि असी जिंदगी पाइए। ये भैनों भ्रावो, मैं सच कहता वो रात आज तक मैं चेता है, और मेरी जिंदगी की आखिरी सांस तक मैं और रात चेते रहूंगी, जो तो मैं घुटने तक यही किया, मैं नहीं जानता कि कौन है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मैंने सिर्फ सच्चे परमेश्वर की तलाश है, मैं सच्चे परमेश्वर देखना चाहता। अगर कोई सच्चा परमेश्वर इस धरती से है तो मैं आके दर्शन दे। भैनों भ्रावो, मैं सच कहना आगे खड़ा हो गया सारे दिन परमेश्वर की महिमा हुए कि उस रात मेरे परमेश्वर ने दर्शन दिया, और मेरे परमेश्वर ने कहा कि जा तेरे पाप मैं क्षमा किए, परमेश्वर ने मेरे पापा को क्षमा करके आज मेरे इतने खड़ा किया ताकि मैं ना दी गवाही दे सकता। भैनों भ्रावो, असी पंजाबी बंदे ने जो मैं यीशु मसीह ने अपने जीवन में अपनाया, ना तो मेरा मेरी बोली बदली, ना तो मेरा पहनावा बदलिया, ना तो मेरा दिल जिहड़ा हैगा वो फॉरेन हो गया, वही दिल है, वही जिंदगी है, वही मेरी जुबान है, वही मैं पंजाबी भाषा बोल रहा, लेकिन मैं एक सच्चा रब मिल गया, वो सच्चा रब जो जीवन दे रही है सानू अपनी मौत से आई है। भैनों भ्रावो, सब तो वड्डा काटा जिहड़ा साडे जीवन में हैगा यार, जिंदगी का काटा जो सानू हर चुभदा है, वह हैगा पाप का काटा, और पाप की क्षमा सिर्फ परमेश्वर को ही है, जिस पे कोई पाप नहीं है, जो पवित्र है, पर परमेश्वर पवित्र है। तो भैने भ्रावो, ये मेरी टेस्टिमनी सी आज दे इत्थे प्रोग्राम, ते मैं विश्वास करता हूँ कि जिन्हें जिन्होंने मेरी गवाही सुनी है परमेश्वर उन्होंने आशीष देवे, और परमेश्वर सभी ते बरकत देवे।
प्रभु यीशु मसीह की जय। जय। अपने बालक को लपिए। ये वही बालक है जेड़ा अपन दूध ने कहा सी। चिट्टे कपड़िया विच थले पराली। वाह जी वाह जी। प्रणाम करो प्रभुओं का प्रभु राजाओं का राजा। प्रभु कितना थोड़ा है। चलो प्रभु जेडिया भेड़ा लिया चरणा अर्पित करिए अपना तन मन जीवन ओने चरणा अर्पित करिए। सारा जीवन प्रभु तेरे पिछे होके चलांगे। तू सानू इस गरीबा नू भेड़िया नू कबूल कर। परमेश्वर की निगाह कोई छोटा जा वड्डा नहीं। परमेश्वर की निगाह सब इको जे हैं। परमेश्वर सब नू प्यार करता है। जिंदा परमेश्वर होने के नाते दुनिया में इंसान के पैदा होने का क्या मतलब है। परमेश्वर तो कुछ भी कर सकता है। कुछ भी कर सकता है ना रब। कुछ भी कर सकता है ना। हमारे लिए कोई भी बात है संभव नहीं होता है लेकिन उसके लिए सब कुछ संभव है। तो वो एक बड़ा आदमी होकर टपक सकता था या कोई बड़ा शक्ति दिखा के कहता था मैं रब हूं या किसी को मार के कहता था कि मैं जय हो गया मुझे मानो। वो रब होके भी ये सब नहीं किया लेकिन वो एक बच्चा होके क्यों पैदा हुआ। बाइबल बताती है जब परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया एक एक दिन एक एक चीजों को बनाया। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जब परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया एक एक चीज को बनाया और उसके बाद उसने इंसान को बनाया। बाइबल कहती है छठे दिन उसने इंसान को बनाया। आपको पता है उसका नाम था आदम। जब प्रभु ने आदम को बनाया वो मिट्टी को लेकर बनाया अपने शकल से। He made man in his own image and likeness. He is God. He could have come down, just jump from the heaven or do some kind of miraculous thing and say, Hey, I'm a God. What made him come down as a baby in the manger? वो इंसान को इंसानियत सिर्फ सिखाने नहीं लेकिन दिखाने के लिए इंसान बनकर पैदा हुआ। बोलो यीशु मसीह की जय। सब तो बड़े बड़े काम कह सकते हैं बातें बोल सकते हैं लेकिन करके दिखाना उसके बस की बात नहीं है। यीशु ने कहा यदि कोई तुम्हारे एक गाल में चांटा मारे तो तुम उसे दूसरा गाल भी दिखा दो। यीशु ने बस कहा ही नहीं लेकिन उसने करके दिखाया। वो इंसान होकर इस दुनिया में पैदा होने का कारण यह है कि आपको और मुझे वो इंसानियत सिखाए। आज दुनिया में इंसान तो है लेकिन इंसानियत नहीं है। एक भाई दूसरे भाई को मारता है। अरे यार उसका बिजनेस बढ़ गया उसका टांग खींचो वो बढ़ गया है उसको प्लानिंग करो यहां से भेजो। आज इंसान भाई भाई के खिलाफ होता है
एक परिवार दूसरे परिवार के खिलाफ आता है क्यों? आंख होते हुए भी देख नहीं पाते भाई कौन है, बहन कौन है, माँ कौन है, बाप कौन है, क्यों? क्योंकि आज की बात है, इंसान के अंदर इंसानियत नहीं है, इंसान के अंदर इंसानियत नहीं है। प्रभु यीशु इस दुनिया में आके कहा मेरे जैसा नम्र बनाओ, उसने पापियों को क्षमा किया। उसने ये नहीं कहा तुम ये दे दो तो तुम्हें क्षमा मिलेगा, उसने ये नहीं कहा तुम वो दे दो तुम्हें क्षमा मिलेगा, उसने कहा अपने मन फिराओ। उसने कहा वचन में ए थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। परमेश्वर वो है जो पवित्र है, परमेश्वर वो है जो शांति दे सकता है, परमेश्वर वो है जो कुछ कहता है वो कर सकता है। यीशु ने कहा मैं दुनिया बीच इसलिए आया ताकि तुम जिंदगी पाओ और बहुतायत की जिंदगी दो। वो ये बात नहीं कहा मरने के बाद मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। आज इंसान क्या करता है यार, बहुत अच्छा आदमी था, कब कहते हैं मरने के बाद। He was a very good man. When they say after his death, मरने के बाद कहते यार पाजी मामा ताता इसके आत्मा की शांति के लिए दुआ करो, कब? मरने के बाद। क्या आपको पता है, मुझे पता है मरने के बाद आत्मा कहां गया है। इसलिए प्रभु यीशु दुनिया में आया ताकि जब हम जिंदा है तब हमारे आत्मा को बचाए। यीशु ने कहा परमेश्वर आत्मा है, आप आपके शरीर को देख सकते हैं, आप आपके चेहरे को देख सकते हैं, आप मेरे चेहरे को देख सकते हैं, दूसरे के चेहरे को देख सकते हैं, लेकिन दूसरे के मन को नहीं देख सकते हैं, दूसरे की आत्मा को नहीं देख सकते हैं। आपके बाजू में जो बैठा है वो क्या सोच रहा है आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है, लेकिन परमेश्वर वो देख रहा है। कई लोग सोचते हैं कि मैं अगर अच्छा काम कर दूं तो मेरा पाप के लिए पुण्य मिलेगा, अगर मैं अच्छा कर दूं तो मुझे मुक्ति मिलेगा। अच्छा काम किसको दिखाने के लिए कर रहे हैं हम? क्या परमेश्वर हमारे दिल को नहीं जानता है? हमारे दिल के अंदर कूड़ा रहता है और हम हाथ से पुण्य कमाने के लिए अच्छाई करते हैं। परमेश्वर हमारे दिल को देखता है, इसलिए वो दुनिया में आया ताकि वो हमारे दिल को बदले, ताकि हम अपने दिल को बदले। क्योंकि अगर हमारे बैंक में बिलियंस बैलेंस है, हमारे घर में काफी सारे रिलेटिव्स है, अच्छे खाना खा रहे हैं, लेकिन अगर दिल में शांति नहीं है तो कुछ भी फायदा नहीं है। इसीलिए यीशु इस दुनिया में आया ताकि हम सब सच्चे शांति पाए। आज इंसान गमों को भुलाने के लिए एक बोतल पी लेता है, गमों को भुलाने के लिए दो बोतल चढ़ा देता है, जॉनी वॉकर रेड, जॉनी वॉकर ग्रीन, जॉनी वॉकर पता नहीं क्या क्या, कितने घंटे के लिए। परेशानी से भागने के लिए इंसान बैठ के टीवी ऑन करके बैठता है, सांस भी कभी बहुत थी, लेकिन आखिरी में क्या हो रहा है, वही परेशानी वापस आ जाता है। बंदा जीत रहता वही है जैसे एक दरवाजा एक ही जगह पे खड़े होके कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर, ऐसे हम दुनिया में दिखावट करते हैं। इसीलिए यीशु ने कहा देखो मैं तुम्हारे दिल के दरवाजे पे दस्तक दे रहा हूं, जो अपने दिल को खोलेगा और मुझे स्वीकार करेगा मैं उसके दिल में आकर शांति दूंगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति और मुक्ति पाने के लिए हमें नंगे पैर घूमने की जरूरत नहीं है, हमें अपने आप को कोसने की जरूरत नहीं है, अपने आप को कष्ट देने की जरूरत नहीं है। हमें बड़ा बनाने के लिए परमेश्वर खुद नीचा बन गया, हमें उठाने के लिए परमेश्वर खुद को निवाह कर दिया, हमें छुटकारा देने के लिए परमेश्वर खुद बंधन में बांध गया, हमें शांति देने के लिए वो दुख सहा। क्या कोई आपके अपने हैं जो आपके लिए आपका हाथ काट के दे सके? क्या आपके कोई ऐसे रिश्तेदार है जो कि उसके शरीर के पूरे खून निकाल के आपको दे देंगे, कहे मैं मर जाऊं तू जीजा? प्रभु यीशु हम पापी होने के बावजूद भी, हम पापी होने के बावजूद भी हमारे लिए दुनिया में आया, क्रूस पे जान दिया। दुनिया में लोग कहते हैं मैं पापी नहीं हूं, मैं तो शाणा हूं, लोग कहते हैं मैं तो शाणा हूं, मैं तो चंगा हूं। माड़ा वो है यार, वो बाजू में जो रहता है वो माड़ा है, असी माड़ा लोग नहीं है। जब बंद कमरे के अंदर रात को बेड में जाके सोच रहे होंगे, आपके आप अपने आप को देखेंगे, उस वक्त पता चलता है मैं कितना घटिया हूं,
हम एक दूसरे को दोष लगाते हैं। यीशु ने कहा, दूसरों की आंखों की टिमटों को देखने से पहले तुम अपनी आंखों की टिमटे को देखो। प्रभु यीशु इस दुनिया में आया ताकि इंसानियत को पैदा करे। प्रभु यीशु इस दुनिया में आया ताकि इंसान को इंसान बनाकर रखे। यीशु दुनिया में इसलिए नहीं आया कि वो धर्म बनाए। धर्म तो इंसान ने बनाया है। प्रभु यीशु ने मार्ग बता दिया। उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए मार्ग बनता हूं। वो कहा, मार्ग सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। मेरे तो बगैर कोई पिता के पास नहीं जा सकता है। इससे I am the way and I am the life. No one goes to the Father except through me. उसने अपने आप को दे दिया। स्वर्ग की महिमा हमारे लिए दे दिया ताकि हम जिंदगी पाए। हम उसे आज क्या दे। आप यहां पे देख रहे थे, गढ़िया लोग आए, पंडित लोग आए, वो अपने कीमती चीज को भेंट चढ़ाए। उसके बाद वो कहे, प्रभु जी हमारी ये कीमती भेंट भी तेरे लिए काफी नहीं है। हम हमारे दिल, हमारे मन, हमारे जीवन तेरे अर्पण करते हैं। आज हम जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, प्रभु चाहता है कि हम अपने दिलों को प्रभु के हाथ में समर्पण करें। अगर आज आप आपके पापों के लिए क्षमा मांगेंगे, प्रभु से कहेंगे, प्रभु जी मैं पापी हूँ, मुझे तू क्षमा कर, और प्रभु को अपने जीवन में बुलाएंगे, प्रभु यीशु आज इसी वक्त आपके जीवन को बदल सकता है। शायद आप यहाँ पे परेशानी के साथ आए हैं, शायद आपके मन में काफी सारे सवाल हैं, मेरे जीवन में क्या होगा, मैं कहां जा रहा हूं, मैं अकेला हूं, मुझे कौन सहारा देगा। यीशु कहता है, मैं तुम्हारे साथ। जिसने मौत को तीसरे दिन जीत लिया, तीसरे दिन जी उठ के उसने कहा, मैं जिंदगी हूं, मैं पुनरुत्थान हूं। आज आप क्या सोच रहे हैं, दुनिया की मोह माया में आप दो पल बिताकर चले जाएंगे? जाएंगे तो कहां जाएंगे? दुनिया से जाने के बाद दो ही जगह है, एक ईश्वर, एक हृदय। पसंद करने के लिए जो मौका हमारे पास प्रभु ने दिया है, अगर हम सच्चे परमेश्वर का पल्ला फड़ेंगे तो हम स्वर्ग में जाएंगे। लोग कहते हैं मैं पापी नहीं हूं, बाइबल कहती है सब पापी है। Bible says, all have sinned and fall short of the glory of God. अगर आज हम हमारे सर को झुकाए के कहेंगे, प्रभु जी मैं पापी हूँ, मेरे पापों को तो क्षमा कर, तू मेरे लिए दुनिया में आया था, आज मैं चाहता कि तू मुझे छू ले। मैं वादा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ कि आप यहाँ से पूरी बरकत लेकर जाएंगे, आपकी जिंदगी बदलती आप जाएंगे, आपके मन के अंदर जो परेशानी है वो आपकी जिंदगी में से परमेश्वर निकाल देगा। आपकी जिंदगी के सारे सवाल का जवाब प्रभु के हाथ में है। आइए हम अपने सारे आंखों को बंद करें। Let's all close our eyes to God. The shepherds and the wise men, they brought all the gifts and they said, Lord, this is not enough. We offer you our mind, our life and our everything. What can we give to him? हम उसे क्या दे सकते हैं? अगर आज परमेश्वर आपको कहे, जो सांस तू ले रहा है उसका बिल भर, जो सूरज का किरण और पानी मैं तेरे लिए भेजता हूं उसका पानी, उसका बिल भर, हम कहां से दे पाएंगे? आज सुबह उठने के बाद आपके मुंह में आवाज है, आपकी आंखों में रोशनी है, क्योंकि प्रभु की अनुग्रह आपके ऊपर है। प्रभु यीशु कहता है धर्म मत बदलो, प्रभु यीशु कहता है मन बदलो। प्रभु यीशु कहता है अपने मजहब मत बदलो, परमेश्वर कहता है अपनी सोच बदलो, अपनी चाल चलन बदलो, अपनी जिंदगी को बदलो, क्योंकि जिंदगी को जिंदगी यीशु देता है। प्यारे पिता परमेश्वर, अगर आप चाहते हैं आज की आज आप प्रभु यीशु आपको छुए, आप यहां से पूरी बरकत पा के जाए, आपकी बीमारी, आपकी परेशानी, आपकी तकलीफ परमेश्वर दूर करे, अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे साथ अपनी आंखों को बंद करें। क्योंकि जब हम आंखें खोलते हैं तो हम दुनिया को देखते हैं, अपने घमंड को देखते हैं, दूसरे को देखते हैं, वो माड़ा है देखते हैं, लेकिन जब अपने आंखों को बंद करते हैं, अपने आप को देखते हैं और पिता परमेश्वर को देखते हैं। प्रभु जी आज जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं सबको तू प्रेम करता है, क्योंकि तू अपने वचन में कहा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पे ईमान लाए वो नाश ना हो जाए पर अनंत जीवन पाए। लॉर्ड वी थैंक यू दैट यू केम टू दिस वर्ल्ड फॉर अस। As your word says, for God so loved the world, he gave his only begotten son. Whosoever believes in him shall not perish but will have eternal life. Prabhu ji, aaj hum tere samne apne aap ko jhukate hain. Mere bhaiyon ke liye main dua karta hoon.
मेरे बहनों के लिए दुआ करता हूँ प्रभु जी, उनके जीवन में प्रभु जी अपनी वचन का ज्योति को जला दे, अपनी शांति के साथ उनको तो छू ले खुदावर। अगर कोई यहाँ पे परेशानी में है, कोई चिंताओं में घेरे हैं, कोई दुख में दबा हुआ है, कोई बोझ से प्रभु जी दबा हुआ है, तो उनके दिलों को जानता है खुदावर, उनको तू अभी छू। प्रभु जी तू तो रहम करने वाला प्रभु है, तू तो कृपा से भरा हुआ सागर है, तू तो प्रभु जी दया का सागर है। प्रभु जी उनको तो छू ले और प्रभु जी उनके जीवन को तू बदल दे। आज प्रभु जी तू हमारे लिए स्वर्ग को छोड़ा और दुनिया में आ गया ताकि हम सब परमेश्वर को देख सके, और इस दुनिया से जब हम जाएंगे तेरे साथ हमेशा के लिए तेरे राज्य में रह पाएंगे। प्रभु जी यहाँ पे बैठे हुए सभी को तू छू ले, सभी को तूने आशीष किया है, हम धन्यवाद देते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी के लिए आशीष मांगते हैं। प्रभु जी तू दुनिया में हमारे लिए ऐसे धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। कुछ लोग नहीं कर। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे। आज खुशियां मनाओ बड़ा दिन आया बड़ा दिन आया, टुकड़े गए आओ बड़ा दिन आया बड़ा दिन खुशियां आया दुख दाता पैदा होया करता खुशियां आया, आसमान तो आए फरिश्ते सब देर बताया वे आज दिन खुशियां बताया वे आज दिन खुशियां
हजूरी महसूस करिए। यार खुदावंद असी तेरा शुक्र अदा कर रहे हैं तेरी बड़ी मोहब्बत वास्ते, तेरे बड़े प्यार वास्ते जिहड़ा तू साडे जैसे गुनहगार लोगों वास्ते कीता। वो अपने पुत्र नूं यीशु मसीह नूं इस दुनिया विच भेज दिता ताकि असी उहदे ते ईमान ले आ के हमेशा की जिंदगी पाउण वाले बन जाइए। अज खुदावंद अज असी वेख्या कि तू इंसान बन गया, बल्कि खाकसार इंसान बन गया और चर्नी दे विच तू जन्म लिया, एक खाकसार जगह ते आ गया ताकि अमीर ते गरीब, छोटे ते वड्डे सारे तेनू सजदा कर सकन, सारे तेरी हजूरी नूं हासिल कर सकन, सारे तेरे को आके शमा ते शांति पा सकन। ऐ खुदा हां तेरा शुक्र करने आ इस प्यारी रफाकत वास्ते, इस पंडाल वास्ते, इन्हां सारे अजीजा वास्ते, भरावां ते भैणां वास्ते जिन्होंने आज तेरे कलाम नूं सुनिया, जिन्होंने आज तेरी हमदो सना कीती, तेरी प्रस्तुति कीती और साडा ईमान है कि आसमान ते भी तेरी प्रस्तुति ते तेरी वडियाई हो रही है। तेरे पाक फरिश्ते हर वेले तेरी इबादत ते तेरी प्रस्तुति करदे ने। ऐ खुदावंद सारे इस इंतजाम वास्ते असीं तेरा शुक्रिया अदा कर रहे हैं, सारे भरावां दी सारी मेहनत वास्ते असीं तेरा शुक्रिया अदा कर रहे हैं। खुदावंद जिन्ने लोग इस प्रोग्राम में शरीक होए ने असीं दुआ कर रहे हैं, असीं प्रार्थना कर रहे हैं कि खुदावंद वो खाली हाथ ना जान बल्कि आज अपनी चोरियां भर के लेके जान, तेरे बेटे यीशु मसीह नूं जान के जान, तेरे यीशु मसीह के नाम ले आके हमेशा की शांति, हमेशा का सुकून, हमेशा की जिंदगी पा सके। ऐ खुदावंद असीं इस सारे इंतजाम वास्ते तेरा शुक्र करते हैं, तेरे खादम पास्टर मार्क वास्ते और उन्होंने सारे परिवार वास्ते तेरा शुक्र अदा करते हैं, पादलदीप के लिए और उनके सारे परिवार के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद इस खुराक वास्ते भी तेरा शुक्र करते हैं जिहड़ा खाना तैयार किया गया, जिन्हें भरावों भैणों ने इहदे विच हाथ बढ़ाया है, माली मदद की है और पकाने विच मदद की है, खुदावंद उन्होंने सारे नूं बड़ी बरकत अदा करे, जिन्हें इहदे विच शरीक हुंदे ने खुदावंद उन्होंने सारे नूं बरकत दे। अज इस प्रोग्राम तो असी सिर्फ और सिर्फ तेरे नाम नूं जलाल देना चाहते हैं। खुदावंद असी अपनी वडियाई नहीं बल्कि तेरी वडियाई चाहते हैं, ये सब कुछ तेरे प्यारे पुत्र अपने निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगने हैं। प्रेम प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति, सहभागिता, चंगाई, खुशियां हम सभी के ऊपर जो यहां पे आए हैं, उनके रिश्तेदारों के ऊपर आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक भरपूरी के साथ होते रहे। आमेन, आमेन। सबको जय मसीह की।